हे गाइस, स्वागत है आप सबका निक इंटरटेनमेंट में। आज मैं आप सबके सामने बात करूंगा बॉलीवुड की आने वाली सबसे बड़ी फिल्म हाउसफुल 4 के बारे में। जी फ्रेंड्स, आप लोगों के सामने हाउसफुल का कुछ लुक्स नज़र आ रहा होगा जो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। और आप सबको बता दूं, आज तक जितने भी बॉलीवुड में फिल्में बनी है सबसे अलग है। जी फ्रेंड्स, आप लोग देख सकते हैं कि कितना ज़्यादा प्यारा है। और आप सबको बता दूं, सबको सारा लुक बहुत ज़्यादा पसंद आ रहा है। एक्टर की बात की जाए फ्रेंड्स, तो आप लोग के बिल्कुल पसंदीदा एक्टर हैं इसमें अक्षय कुमार, रितेश देशमुख, आप सबको बता दूं, साथ में बॉबी देओल। आप सबको बता दूं फ्रेंड्स, साथ में इस फिल्म के ट्रेलर की रिलीजिंग डेट भी सबके सामने आ चुकी है। और जो ट्रेलर रिलीजिंग डेट है वो आप सबको बता दो फ्रेंड्स, 27 सितंबर को 1 बजे के आसपास फॉक्स स्टार हिंदी पे रिलीज किया जाएगा। जी फ्रेंड्स, बता दूं इसका ट्रेलर आप लोगों के सामने आप लोगों को 1 बजे फॉक्स स्टार हिंदी पे 27 सितंबर को देखने को मिल जाएगा। फिल्म की रिलीजिंग डेट की बात की जाए तो आप सबको बता दूं, इस दिवाली में इस फिल्म को रिलीज किया जाएगा। फिल्म आप सबको बता दूं फ्रेंड्स, फिल्म थोड़ा हॉरर टाइप का है। साथ में कॉमेडी की बात की जाए तो आज तक हाउसफुल का जितना भी पार्ट आया सारे पार्ट में कॉमेडी भरपूर है। यानी पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 की बात कर लें तो हमें कॉमेडी भरपूर देखने को मिला है। और अक्षय कुमार फर्स्ट पार्ट में भी थे, सेकंड पार्ट में भी थे, थर्ड पार्ट में भी थे और फोर्थ पार्ट में भी, आप सबको बता दूं। और अक्षय कुमार की ये जो सीरीज है हाउसफुल, वो लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आती है और सब लोग वेट भी करते हैं इस पार्ट का। आप सबको बता दूं फ्रेंड्स, वैसे तो हाउसफुल 3 बहुत ज़्यादा हिट रही थी क्योंकि उस फिल्म में बिल्कुल अलग दिखाया गया था। और आप सबको बता दूं, उससे भी ज़्यादा अलग कहानी, अलग स्टोरी आप लोगों को इस फिल्म में दिखने वाला है, जिस फिल्म का नाम रखा गया हाउसफुल 4। तो आप लोगों का इंतजार बहुत जल्द खत्म होने वाला है, बस इस दिवाली का इंतजार करना है आप लोगों को और आनंद लेना है। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में बस इतना ही। आप लोग कुछ और जानना चाहते हैं, कहना चाहते हैं तो नीचे जरूर कमेंट करें। आप लोगों से फिर मिलूंगा अपने दूसरे वीडियो को लेकर के। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत।